यातायात पुलिस की ओर से राजधानी में बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। हाल ही में डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने अजमेर रोड से श्यामनगर जाने वाले रास्ते को बंद करते हुए ट्रैफिक का डायवर्जन किया था और अजमेर रोड पर लगने वाली मंडी के चलते आए दिन यहाँ यातायात जाम की समस्या देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ लगाई गई ट्रैफिक लाइट और बत्ती को हटाने के बाद अब अजमेर रोड पर लगने वाले जाम की समस्या से मुक्ति मिली है। डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश की माने तो यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए किया गया यह प्रयोग बेहद कारगर साबित हुआ है। ऐसे में श्यामनगर से अजमेर रोड आने वाले लोगों के लिए डायवर्जन का समय यातायात पुलिस ने निर्धारित किया है। अजमेर रोड जो है वो ट्रैफिक कंजेशन के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे लिए रोड था और उसमें श्यामनगर सब्जी मंडी जहाँ से अपन श्यामनगर के लिए मुड़ते हैं, शाम को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गाड़ियों की भीड़ हो जाती थी। तो वहाँ हमने एक प्रयोग किया है कि शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे तक जो कट अजमेर रोड से श्यामनगर की तरफ जाता है या श्यामनगर से आप अजमेर रोड पर आते हो उसको हमने बंद कर दिया है और इस रोड को सीधा चला रहे हैं, मतलब ट्रैफिक लाइट्स वहाँ पर काम करना बंद कर चुकी हैं। उसका काफ़ी अच्छा नतीजा आया है और ट्रैफिक वहाँ पर स्मूथ हुआ है। उसके साथ जो वहाँ पे पार्किंग होती थी उसके लिए भी हमने विशेष वहाँ पे फोर्स लगाया है और उस पार्किंग को भी हमने काफ़ी नियंत्रित कर दिया, तो लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक आया है।